हेलो बच्चों, देख सकते हैं आप यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का यह पेपर है। बहुत ही गजब का पेपर है बच्चों, बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है। आपको यहाँ पर पूरा इसका आंसर देखने को मिलेगा। आप इसके हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये हमारे पास जो सेट है वो A22HZ करके है बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी सेट का आंसर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि रेशनल नंबर विल बी, आपको परिमेय संख्या बतानी है, इसमें कौन सा होगा। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑप्शन होगा आपका सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट है बच्चों। √9 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक तरह का रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं बच्चों। जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, किसी द्विघात समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो बताइए इसके ग्राफ का आकार कैसा होगा बच्चों। इसके ग्राफ का आकार परवलयाकार होगा बच्चों, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। याद रखिए बच्चों, ऑप्शन ए, दूसरे का ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है ना बच्चों। तो समीकरण निकाय एक्स अपॉन ए, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण निकाय एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, और ये दिया है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, में वाई का मान क्या होगा बच्चों। तो आपको ये ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो तीसरे का आंसर होगा बच्चों वो सी, सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, यानी बी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा वाई का मान आएगा बी। वाई का मान कितना आएगा बच्चों, बी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप कौन सा ऑप्शन करके आए हैं बच्चों, अपना कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपका आंसर सही हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, फोर्थ का आपका ऑप्शन होगा सी, सी इज करेक्ट होगा बच्चों। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों ने, सॉरी फोर्थ का बी होगा बच्चों, फोर्थ का बी होगा, ये सी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ए ग्रेटर देन फोर, ए ग्रेटर देन फोर आपका आंसर होगा बच्चों। ए ग्रेटर देन फोर, सॉरी गलती हो गई थी, लेकिन फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए ग्रेटर देन फोर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अनुक्रम दिया √2, √2, √2, √3, √2 का 10th टर्म पूछ रहा है बच्चों, दसवां पद क्या होगा। तो बताइए सभी बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट करके आए हैं, सभी बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट किए हैं। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा बच्चों, वेरी गुड, 200 √200 ये करेक्ट होगा बच्चों। क्योंकि बच्चों आपने आंसर निकाला होगा, आपने आंसर निकाला होगा, मैं आपको बता दूं, आपने आंसर निकाला होगा 10√2। तो बच्चों 10 अंदर जाएगा ना, दो बार लिख जाएगा, तो क्या लिख जाएगा वो 200। ठीक है, वो क्या लिख जाएगा, 200। तो आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर से बोलिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट है पांचवें का बच्चों। आगे बढ़िए बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, पांचवें का सी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप लोग कौन सा क्वेश्चन करके, मतलब कौन सा ऑप्शन टिक करके आए हैं बच्चों, बताइए जल्दी से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपका ऑप्शन वही है जो हम दे रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, तो छठे का जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सी ऑप्शन 12.95, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिक्स हो गया आपका 12.95। सेवन में बताइए बच्चों, सेवन क्वेश्चन में आपने कौन सा आंसर टिक किया है। सेवन क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की। एट्थ क्वेश्चन में आप कौन सा ऑप्शन टिक किए हैं बच्चों, देखिए हम बहुत जल्दी आपको आंसर बताएंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आप अपने ऑप्शन को सही से मिला लीजिएगा बच्चों। ठीक है, एट वाले का बताइए, एट वाले का कौन सा ऑप्शन सही होगा। एट का सही से बताइए बच्चों कौन सा होगा। ये शीर्ष दिए गए हैं वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, सी इज करेक्ट। बहुत सही, बहुत अच्छा किया आपने बच्चों, एट का सी आपने मारा है तो ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद नाइन क्वेश्चन का आंसर बताइए, 3 10 = 4 है तो सेक ए का क्या मान होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो जल्दी से बताइए नाइन का क्या आंसर होगा। नाइन का आंसर होगा बच्चों डी, जिन्होंने डी ऑप्शन क्लिक किया है बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दसवें नंबर क्वेश्चन की। तो अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि आपको आपका यही आंसर है या नहीं। ठीक है, आप कमेंट करिएगा बच्चों, है ना। तो टेंथ नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 10 α + cot α = 5 है तो 10² + cot² α का मान क्या होगा। तो जिन बच्चों ने सही आंसर क्लिक किया है तो हमको जरूर जरूर कमेंट करें। दस नंबर का आंसर बताइए जल्दी से,
दस का होगा सी, सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, 23 आएगा इसका आंसर, कितना आएगा 23 आएगा। हाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, 23 इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है दसवें का। अब हम बात करते हैं ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन की बच्चों, तो ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा है तो थीटा का मान 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, और 0 और पाई बाई 2 भी ले सकते हैं बच्चों, इक्वल लगा हुआ है, तो थीटा का मान बताइए, फटाक से बताइए आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है बच्चों। यस 11 का सी होगा बच्चों, 11 का सी, 0 टू मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई 2 होगा, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो 11 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन की बच्चों, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट करिए यार, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताइए जल्दी से बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/2 होगा बच्चों, 1/2 इसका आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने 1/2 इसका किया है 12 का, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 12 के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है 13। 13 में लिखा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर था, Q के वृत्त के केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है बच्चों। तो आप लोगों ने क्या इसमें टिक किया है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन टिक किया है, 13 का ऑप्शन नंबर होगा ए, ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, 7 सेंटीमीटर होगी उसकी रेडियस, 7 सेंटीमीटर होगी उसकी रेडियस। तो याद रखिएगा बच्चों, जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 सेंटीमीटर, क्या होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 13 के बाद हम आते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई हो तो एंगल POA कितना होगा, सही बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया आप लोगों ने, 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी क्लिक किया है बिल्कुल सही है, 50 डिग्री होगा बच्चों, बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 14 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, 14 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, 50 डिग्री कितना होगा, 50 डिग्री, ठीक है। 15 देखते हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण क्या हो, थीटा डिग्री हो। अच्छे एक बात बताइए बच्चों, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं आता है क्या, मैं लिख देता हूं बच्चों, मैं लिख देता हूं पाई आर बड़ा बड़ा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये है इसका आंसर बच्चों। अब आप देखेंगे ऑप्शन में ये है ही नहीं, अरे है क्यों नहीं, ऑप्शन बी देखिए ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्यों, 2 से हम 720 को डिवाइड करेंगे तो कितना पाएंगे, कितना पाएंगे, 360 डिग्री हो गया ना, और ऊपर बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी 15 का भी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है आप बच्चों, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, आगे 15 के बाद हम लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए, धातु का आयतन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने क्लिक किया बच्चों, बताइए जल्दी से, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ऑप्शन डी 16 का डी है, 16 का डी 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट है यार, हम भी आपके साथ हैं, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों 16 के बाद 17, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए बच्चों। भैया आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो आप हमको बताएंगे तो 3πr² तो जिन बच्चों ने 3πr² किया है आंसर वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फिर से बताइए, 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्या आ रहा है भाई, अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, निम्नलिखित साड़ी का माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग बताइए बच्चों कौन सा होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने क्लिक किया है, अरे बताइए भाई 18 का ऑप्शन कौन सा आप लोगों ने क्लिक किया है, 18 का सी है, सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिए 30 to 40 ये वाला होगा बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा 30 to 40। आगे बढ़िए, 18 का ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। उसके बाद 19 का बताइए जल्दी से क्या होगा 19 का, एक बारंबारता साड़ी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः दिए गए हैं, इसका बहुलक क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन बताइए जल्दी से, 19 का ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों सही, 19 का बी है, बी 45, यस बिल्कुल सही है आप, ठीक है 45, तो जिन बच्चों ने 45 किया बिल्कुल सही है। अब अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अरे भैया इतना सरल क्वेश्चन आयो है, ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट,
ऑप्शन डी इज करेक्ट, वन होगा बच्चों, ठीक है, श्योर घटना है ना बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं खंड बा की, यानी कि सेक्शन बी की। सभी खंड करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसकी भी बात कर लेते हैं पहले में। तो जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा, अभाज्य, हाँ अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने, इसमें ऑप्शन तो है नहीं बच्चों, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन बी में, सेक्शन बी वाले क्वेश्चन को तो आपको लगाना पड़ेगा ना बच्चों। अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा 25, 20 और ये क्या 10, 530 का लासा और मासा ज्ञात करना है। यार लासा और मासा तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है, तो लासा और मासा आप निकालेंगे तो आपको आराम से ये निकल आएगा। तो आप इसका लासा मासा निकाल लीजिएगा बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, तो आप इसका कर लीजिएगा। उसके बाद इसको प्रूव करना है, रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, तो इसमें भी आप कुछ नहीं ज्यादा करना है। हम बात करते हैं पहले के डी वाले ऑप्शन पे, कि डी का आपने क्या आंसर लिखा है, डी का आपने कौन सा आंसर लिखा है, हम बताते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। पहले का, पहले क्वेश्चन का डी का आपने क्या आंसर लिखा है बच्चों, पहले का डी क्या आया है आपका आंसर, मैं बता देता हूं, 1.3 होगा बच्चों इसका आंसर, 1.3 होगा इसका आंसर, ठीक है। जिन बच्चों ने 1.3 लिखा है, यानी 1.3 आया है जिसका आंसर, बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो 1.3 होंगे बच्चों, बिल्कुल सही है। अच्छा पहले का ई, पहले का ई क्या आंसर होगा बच्चों, पहले के ई का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा, पहले के ई का आंसर होगा 2, cot थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का मान कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों, 2, इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो 2 आएगा। जिन बच्चों का 2 आंसर आया ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये है एक सममिति बाहु त्रिभुज के शीर्ष, अरे यार तो बहुत सरल है, आपको करना क्या है, एक त्रिभुज आपको बनाना है, अगर ये त्रिभुज सममिति बाहु है तो कोई दो भुजाएं जरूर बराबर आएंगी, तो आप सबकी साइड निकाल लीजिएगा। साइड कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, तो ए है ये, बी है ये, सी है, ए बी बी सी सी ए निकाल लीजिएगा, इसमें से जो जिसकी दो भुजाएं बराबर आएंगी वो साइड हमारी क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलैटरल आइसोसेलिस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो सममिति बाहु त्रिभुज को प्रूव करना है तो आपकी दो साइड इक्वल आनी ही आनी है, ठीक है, या तो ए बी इक्वल आएगा बी सी के, या तो ए बी इक्वल आएगा ए सी के, या तो ए बी इक्वल आएगा बी सी के, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई दो इक्वल आएंगे, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, डू ऑल द फॉर, ये तो वही है बच्चों। अगला हम बात करते हैं दूसरे का, इन्हीं पांच खंडों को हल करना है बच्चों, तो ये दिखाइए कि इस रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अब एक बार बताइए, तो इस रैखिक, तो इसको तो प्रूव करना है, अगर अनेक हल होंगे तो यानी इसके जो कॉफिशियंट होंगे x और दूसरी इक्वेशन के x का, यानी हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, इसके x का कॉफिशियंट क्या है 3 है, उसके x का कॉफिशियंट क्या है 9 है, इसके x का कॉफिशियंट -1 है, उसके y का कॉफिशियंट क्या है -3 है, और उसके कॉन्स्टेंट उसका कितना है बच्चों 2 है, इसका कॉन्स्टेंट 6 है। तो आप देख सकते हैं हर जगह तो सेम है, माइनस माइनस कट गया, 2, 3 जा 6, यानी 1/3, 1/3, 1/3 सब में आ रहा है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा अनेक हल होंगे, समझ में आ गया ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो दोनों समीकरण कैसे होंगे, रैखिक समीकरण कैसे होंगे, उनके अनेक हल होंगे, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, दूसरे के बी का आपने आंसर क्या दिया, भूमि के किसी बिंदु पी में से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, बताइए 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 क्या होगा आंसर। मैं बताऊं, ध्वज दंड की जो लंबाई होगी बच्चों वो आपका होगा क्या 17.32 मीटर होगा। तो जिन बच्चों का आंसर ये आया है ना सही है, 17.32 मीटर, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है सी, सी देखिए, दो अंकों से बनी किसी संख्या का अंकों का योग 9 हो, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, भैया नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हो जाएगी 36, जिनका आंसर 36 आया है बच्चों वो बिल्कुल सही है। अरे यार कमेंट्स तो कर दो, जिन बच्चों का 36 आंसर आया है वो खुश हैं, अगर मस्त है उनका पेपर अच्छा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, हमें उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और जिन बच्चों का पेपर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ निराश ना हो, वे आगे के पेपर में प्रयास करें और अच्छे नंबर आएंगे बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई, हाँ दूसरे का हम एक और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर ई में आप लोगों ने एक्स और वाई के मान क्या निकाले हैं, बताइए एक्स का मान क्या निकाला है और वाई का मान, जिन बच्चों ने हम जो मान बताएंगे अगर वो निकाला है ना तो यार बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो बल्ले बल्ले होने के लिए आपको x का मान चाहिए बच्चों, याद रखिएगा
8 होना चाहिए और y का मान होना चाहिए 7, तब वो बच्चे बल्ले बल्ले करेंगे, है ना। x is equal to 8, y is equal to 7, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चार नंबर पक्के हो गए बच्चों, है ना। उसके बाद पासा वाला सवाल आ गया, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते दोनों पासों की संख्या का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भैया 7 से छोटा होने की प्रायिकता का जो आंसर आने वाला है बच्चों उस पर ध्यान दीजिएगा, वो हमारा आंसर आएगा 15/36 बच्चों। क्या आएगा? 15/36, 15/36 यही आंसर होगा बच्चों। 7 से छोटी आने वाली संख्या का प्रायिकता निकालना ना, संख्याओं का योग का प्रायिकता याद रखिएगा 15/36। जिन बच्चों का ये आंसर आया ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आइए, ये तो हमारा ठीक है, यहाँ तो कोई तीसरा देखिए बच्चों। चार कुर्सियां 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों का 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। तो कह रहा है कुर्सी था एक मेज का अलग अलग मूल्य बताओ। बच्चों ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है। आंसर आएगा देखिए, कुर्सी और मेज की जो कीमत होगी ये 20 रुपया होगा एक, और इसका होगा 40 रुपया। समझ में आ गया ना बच्चों, दोनों का अलग अलग आंसर है बच्चों। ये मेज का है, ये कुर्सी का है। पहले नाम किसका आया है, मेज का है कि कुर्सी का? तो कुर्सी का होगा बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद ये मेज का हो गया, ओके। पहले देखो यहाँ कुर्सी है फिर मेज है, ओके ओके बच्चों। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, 20 और 40, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अरे भैया, बहुमंजिला भवन के शिखर पर 8 मीटर ऊंचे भवन शिखर तथा तल का वर्णन कोड दिया गया है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए। तो एक बात बताइए बच्चों, तो ऊंचाई तो हमें पता ही होना चाहिए ना, कैसे क्या निकालना है। तो वो हमारा आंसर होने वाला है, पहले तो हम एक आंसर आपको लिख देते हैं, 4 3+√3, ठीक है। तो ये हमारी जो होगी उन भवनों के बीच की दूरी ऊंचाई होगी, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक आंसर आना चाहिए। दूसरा आंसर आप निकाल लीजिएगा, एक आंसर तो ये आ ही रहा होगा, 4 3+√3 meter, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या पहले सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर निकालेंगे। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने बताए बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरे अच्छे से पूरे हर एक क्वेश्चन को लगाकर आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। आगे के पेपर की तैयारी करें।